अगर आप नर्सरी KG1 KG2 की क्लासेस में गए होंगे तो आपने देखा होगा शिक्षिका टीचर क्या करती है, बच्चों को पेन पेंसिल दिखाती है, देन शी स्पीक्स, दिस इज अ पेन, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ पेन, ये क्या है, दिस इज अ पेंसिल, ये क्या है, दिस इज अ एरोप्लेन, व्हाट इज दिस टेक्निक, दिस टेक्निक इज, क्यों करती है टीचर, ताकि बच्चों को वर्ड्स शब्द और रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स एसोसिएट हो सके और बच्चों की वोकैबुलरी डेवलप हो सके, बच्चे शब्द सीख सके। फ्रेंड्स, बच्चों का शब्द सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही एक जरिया है दे आर एबल टू कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड। अपने पेरेंट्स के साथ, टीचर के साथ, फ्रेंड्स के साथ बच्चे कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो वर्ड्स। आप और मैं कैसे कम्युनिकेट कर रही हूं, मैं आपसे वर्ड्स के जरिए, तो शब्दों का बहुत इंपॉर्टेंट है और जब तक शब्द नहीं रहेंगे तब तक हम बोल नहीं पाएंगे। लेकिन बच्चे, पता है फ्रेंड्स, जब बोलना शुरू करते हैं तो एक छोटा बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो बोलता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे बैबलिंग कहते हैं, जो हमारी लैंग्वेज लर्निंग में हम उसे क्या कहते हैं, बैबलिंग। तो छोटा बच्चा बोलना सीखता है तो उसे बैबलिंग कहते हैं, और जब छोटे बच्चे बोलना सीखते हैं तो पेरेंट्स, टीचर्स, हमने देखा है क्या करते हैं, टॉकिंग एंड रीडिंग, उनके साथ बातें करते हैं और रीडिंग करते हैं, उनको वर्ड्स रीड करके बताते हैं, CAT कैट, BAT बैट, हम अल्फाबेट्स वर्ड्स बोर्ड पे लिखा के देते हैं, उनके सामने स्टोरी बुक्स होती है ताकि बच्चे सीखे। तो आज हम यही टॉपिक है फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं उम्र के हिसाब से बच्चे कितने शब्द बोलते हैं, कैसे सीखते हैं। फ्रेंड्स, ज्यादा वक्त न लेते हुए सीधे विषय की तरफ, इसलिए सीख रहे हैं हम क्योंकि टेट एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है और हम इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। फ्रेंड्स, चैनल को नए है तो वी आर इन द चैनल ऑफ टीचर वी लर्न, आप और मैं पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, बर्थ टू 8 मंथ्स, जन्म से 8 महीने तक बच्चा कुछ भी नहीं बोलता, वो सिर्फ रोता है और रोने से कम्युनिकेट करता है। बट 9 महीने से 1 साल तक वो कितने शब्द बोलता है, 3 से 4 वर्ड्स, ओनली 3 to 4 वर्ड्स, 3 से 4 वर्ड से ज्यादा नहीं। अप टू 1.5 ईयर, 1.5 साल तक वो 10 से 12 वर्ड्स बोल पाता है। 2 साल तक बच्चा कितने वर्ड्स बोलता है फ्रेंड्स, तो 2 साल तक बच्चा 272 वर्ड्स तक बोल पाता है। उसकी बोलने की कैपेसिटी बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, बोलने की कैपेसिटी वर्ड्स की बढ़ रही है। लेकिन एक बात समझिए, बच्चे जितने वर्ड्स बोलते हैं उससे कहीं ज्यादा वर्ड्स उन्हें समझ में आता है, यानी दे आर एबल टू अंडरस्टैंड ज्यादा वर्ड्स, बोलते वो कम वर्ड्स है समझ के हिसाब से। 2 साल से 6 मंथ्स, 2 ईयर्स एंड 6 मंथ्स, 450 वर्ड्स, 450 वर्ड्स, देखो बढ़ गई है। देन अप टू 3 ईयर्स, 3 साल तक बच्चे 1000 वर्ड्स बोल पाते हैं, 3 साल का बच्चा नियर अबाउट 1000 वर्ड्स बोल पाता है। 3 ईयर्स टू 6 मंथ्स, कितने वर्ड्स बोलते हैं, 1250, इतने वर्ड्स बच्चे बोल पाते हैं। 4 साल का बच्चा 1600 वर्ड्स, 1600 वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन आ सकता है 4 साल के बच्चे कितने वर्ड्स बोल सकते हैं, 2 साल तक कितने वर्ड्स। फ्रेंड्स, 5 साल का बच्चा 2100 वर्ड्स बोल पाता है, यानी उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है। 11 साल का बच्चा 5000 वर्ड्स बोलता है, 14 साल का बच्चा 8000 वर्ड्स बोल सकता है, 16 साल के ऊपर जो सब है बच्चे बड़े, वो मोर देन 1 लाख वर्ड्स बोल पाते हैं। तो देखिए कितनी वोकैबुलरी डेवलप हुई जन्म से लेकर बड़े होने तक। फ्रेंड्स, वोकैबुलरी डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, इसीलिए पेरेंट्स और टीचर्स से मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को रीडिंग में, लर्निंग में, और दे शुड टॉक विद देम ताकि उनकी वोकैबुलरी, शब्दों का डेवलपमेंट हो और वो कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से करे। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर अवर CTET एंड TET एग्जाम्स, प्लीज गो थ्रू दिस एंड आई थिंक सो इट विल बी हेल्पफुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। Thank you so much.